हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं द ड्रोन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। ये हमारा मैपिंग सीरीज का 10th वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने ड्रोन एक्यूरेसी के बारे में जाना था और GST इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो अभी जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या फिर आप आई बटन से भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि ये GST होता क्या है और ये एक्यूरेसी बढ़ाने या कमाने में क्या रोल प्ले करता है। जब हम ड्रोन उड़ाकर इमेज कैप्चर करते हैं तब जमीन की साइज कैमरा में कैप्चर होती है और वो डिजिटली बहुत सारे पिक्सल्स फॉर्म में सेव हो जाती है। किसी भी दो पास पास के पिक्सल्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को ग्राउंड सैंपलिंग डिस्टेंस कहा जाता है। GST की वैल्यू जितनी कम होगी एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा होगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके स्क्रीन में दो GST के वैल्यू आ रहे हैं, एक 5 सेंटीमीटर GST और दूसरा 30 सेंटीमीटर GST। आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर GST की इमेज ज्यादा क्लियर है और 30 सेंटीमीटर GST की इमेज ब्लरी है। आपको हमेशा GST की वैल्यू कम रखनी है ज्यादा एक्यूरेसी के लिए। तो आइए अब देखते हैं GST की वैल्यू किन चीजों पर डिपेंड करती है। जनरली GST की वैल्यू फ्लाइट हाइट और कैमरा स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सपोज आपने DJI Phantom 4 Pro का ड्रोन यूज कर रहे हैं और आपने सेम ड्रोन से दो अलग अलग अल्टीट्यूड में इमेज कैप्चर किया। कम हाइट वाला ड्रोन का इमेज रेजोल्यूशन ज्यादा होगा क्योंकि इसकी GST वैल्यू कम होगी इन कंपेयर टू ज्यादा हाइट वाला ड्रोन। लेकिन लो अल्टीट्यूड में फ्लाइंग करने से ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और बैटरी की कंजप्शन भी ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्लाइंट की रिक्वायर्ड GST जानना जरूरी होता है प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एस्टिमेट कॉस्ट निकालने के लिए। आगे हम ये भी सीखेंगे कि हाइट कितनी होनी चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर GST, मतलब आप फ्लाइट की हाइट कैसे सेट करेंगे अगर आपके क्लाइंट ने कहा कि उन्हें 3 सेंटीमीटर पर पिक्सल GST चाहिए। इसके लिए पहले हमें कैमरा को समझना पड़ेगा। तो चलिए अब समझते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशन क्या रोल प्ले करता है। सपोज आपको ये पता चला कि GST 3 सेंटीमीटर पर पिक्सल अचीव करने के लिए DJI Phantom 4 Pro को 90 मीटर हाइट पे फ्लाई करना पड़ेगा। आपको ये बता दूं, ये सिर्फ यही मॉडल के लिए है। अगर आप कोई और ड्रोन यूज करेंगे उसके लिए डिफरेंट हाइट होगा, वो डिपेंड करेगा कैमरा पे। तो आइए अब इसे समझते हैं। GST कैमरा के फोकल लेंथ, सेंसर विड्थ और इमेज विड्थ पे डिपेंड करता है। अगर आप DJI के कोई भी मॉडल यूज कर रहे हैं तो ड्रोन डिप्लॉय या फिर Pix4D कैप्चर जैसे ऐप फ्लाइट हाइट खुद से ही डिटरमाइंड कर देते हैं GST वैल्यू के साथ। लेकिन जब आप कस्टमाइज्ड ड्रोन यूज करते हैं तब कैमरा के हिसाब से सही GST पाने के लिए करेक्ट हाइट में ड्रोन को फ्लाई करना जरूरी होता है। इसके लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपने ईमेल आईडी शेयर की है उन सबको ये मैं शेयर कर दूंगा। तो आइए अब देखते हैं ये टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये एक कैलकुलेटर है और ये फ्लाइट हाइट और GST कैलकुलेशन में हेल्प करता है। फ्लाइट हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपको कैमरा की सेंसर विड्थ, फोकल लेंथ, इमेज विड्थ और आपकी रिक्वायर्ड GST वैल्यू डालनी पड़ेगी। मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूं उसका सेंसर विड्थ 13.125 है, फोकल लेंथ 15.4 है और इमेज विड्थ 4608 पिक्सल्स है और मेरी रिक्वायर्ड GST
2.5 सेंटीमीटर पर पिक्सल है, तो इसकी हाइट 135 सेंटीमीटर होगा। जनरल रूल ऑफ थंब, हॉरिजॉन्टल रिलेटिव एक्यूरेसी इज 2 टाइम्स द जीएसटी एंड वर्टिकल रिलेटिव एक्यूरेसी इज 3 टाइम्स ऑफ जीएसटी। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर जीएसटी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर पिक्सल है तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव एक्यूरेसी 4 सेंटीमीटर होगी और वर्टिकल रिलेटिव एक्यूरेसी 6 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक गुड न्यूज ये है कि कंप्लीट ड्रोन मैपिंग की को बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।